नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने जो नज़ारा हम दिखाने वाले हैं यह है संत हिरदाराम नगर से श्यामपुर, राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर होकर झालावाड़ के रास्ते रामगंज मंडी जाने वाली रेलवे लाइन का अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, जिस पर कि ट्रैक बिछाने की शुरुआत अब संत हिरदाराम नगर से श्यामपुर की ओर कर दी गई है। और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ के लगभग जो सभी सिविल कंस्ट्रक्शन कार्य थे इस सेक्शन के, वह पूरे हो चुके हैं। इसी को देखते हुए क्षेत्र में ट्रैक बिछाने की यहाँ पर हम जो कार्यवाही है वह देख सकते हैं। यह ट्रैक संत हिरदाराम नगर की ओर आ रहा है और यह सामने की ओर बरखेड़ा खुमान होते हुए श्यामपुर की ओर जाने वाला यह ट्रैक दिखाई दे रहा है। पुराना सेकंड हैंड ट्रैक बिछाकर इस पर ट्रायल वगैरह लिए जाएंगे और टेम्पिंग मशीनें आदि चलाकर इसको बैलेंस किया जाएगा। साथ ही विद्युतीकरण कार्य अभी इस पर होना है, उसके लिए पोल्स की भी तैयारियां यहां पर हमें दिखाई दे रही हैं और जल्दी ही विद्युतीकरण कार्य की भी इस पर शुरुआत कर दी जाएगी। ये आप देखिए नज़ारा हमारे संत हिरदाराम नगर आने वाले इस रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन के। रेलवे सीहोर सहित हमारे राजगढ़ जिले में कार्यों की शुरुआत वर्ष 2020 के आसपास हुई थी और तब से अब तक काफ़ी अच्छी प्रगति इन कार्यों की नज़र आती है। हमने समय समय पर इस परियोजना के विभिन्न अपडेट्स आप सभी को दिखाए हैं और साथ ही जो यहां से आगे का सेक्शन है उसकी भी जल्दी कवरेज आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। संत हिरदाराम नगर स्टेशन के जंक्शन बनने की भी कहानी बड़ी रोचक है, क्योंकि यह स्टेशन पूर्व में पश्चिम रेलवे में आता था। उस समय जो परियोजना है हमारी रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन, इसको यहाँ पर लिंक करने का प्रस्ताव नहीं था। इसको संत हिरदाराम नगर से भोपाल के बीच में जो पहाड़ी इलाका पड़ता है उसके पूर्व में लिंक करने का प्रस्ताव था, क्योंकि वह पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में था। लेकिन जब यह स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे में आ गया तो इसे बाद में रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन का जंक्शन पॉइंट बनाने का विचार फाइनल हो गया। जो रेलवे गेट है इसके पास में अभी ट्रैक बिछाने का कार्य रुका हुआ है और ऐसा ही कुछ हमारे जो संत हिरदाराम नगर का आउटर है यहाँ तक यह ट्रैक हमें बिछना भी बाकी दिखाई दे रहा है और जल्दी ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। और 267 किलोमीटर का यह जो पत्थर आप देख रहे हैं माइलस्टोन, यह इस परियोजना का ट्रैक दर्शाते हुए इशारा कर रहा है। यहाँ तक 267 किलोमीटर का ट्रैक जो इस परियोजना का है वह आता है और आगे की ओर यह हमारा जो निषादपुरा डी केबिन है वहाँ तक इस परियोजना का नया ट्रैक बिछा है और संत हिरदाराम नगर से लगा के निषादपुरा का सेक्शन शुरू भी हो चुका है, जिस पर कि ट्रेनें आवागमन कर रही हैं। वर्तमान में यह जो ट्रैफिक है हमारा निषादपुरा से बीना की ओर जाने वाला, उसके लिए मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य जो है संत हिरदाराम नगर आउटर से संत हिरदाराम नगर स्टेशन का जो पूर्व में बाकी था वह पूरा हो चुका है। और यह जो सभी ट्रैक हैं इन पर ट्रेनों की आवाजाही चल रही है, केवल कुछ आखिरी वाले ट्रैक को छोड़कर। और बहुत अच्छी बात है कि यह परियोजना आने वाले समय में एक छोटा रास्ता कोटा रामगंज मंडी के रास्ते जाने के लिए बना रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह आने वाले 2 वर्षों के अंदर हमें आकार लेती नज़र आएगी। 2025 में इसको पूरा किया जाना था लेकिन कुछ कार्य बीच के जो क्रिटिकल हैं वह होने में 2 साल से अधिक समय लगेगा, इसलिए हम 2026 वर्ष इसकी नई डेडलाइन समझ सकते हैं। वैसे रेलवे प्रशासन कोशिश तो कर रहा था कि इस परियोजना का कार्य जल्द से जल्द सभी इलाकों में शुरू हो जाए, लेकिन जो हमारा ब्यावरा से लगा के श्यामपुर का सेक्शन है इसमें काफ़ी देरी से काम हाल ही में शुरू हुआ है और वहाँ पर भूमि अधिग्रहण के मसले कुछ एक अभी भी बाकी चल रहे हैं। वहीं एक बड़ा जो काम है वह पार्वती नदी पर पुल बनाने से संबंधित है, उसका कार्य तो अभी तक शुरू नहीं किया गया और ना ही उसके कोई टेंडर निकले हैं, तो वह कार्य शुरू होना तो दूर की बात है। बहरहाल संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नया प्लेटफार्म तैयार हो चुका है, जिस पर कि कभी कभी ट्रेनें भी खड़ी दिखाई देती हैं, मालगाड़ियाँ और कंजेशन के वक्त यात्री गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी हुई हमें
दिख सकती हैं। साथ ही जो प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य और यात्री सुविधाओं को देने के लिए नल वगैरह का, सिटिंग बेंच आदि का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और प्लेटफार्म नंबर जो भविष्य में 4 नंबर प्लेटफार्म कहलाने वाला है, वहाँ पर भी शेड लगाने के लिए वेल्डिंग आदि का कार्य चल रहा है। किसी ज़माने में यह स्टेशन पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता था और इसकी कोई खैर खबर आदि पश्चिम रेलवे के द्वारा नहीं ली गई। क्षेत्र के नागरिकों की मंशा के अनुसार इसको पश्चिम मध्य रेलवे में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब यह आप स्टेशन का रूप देख सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेशन भविष्य का यह बनने वाला है। और जो यहाँ पर फुटओवर ब्रिज है, उसको प्लेटफार्म नंबर 4 पे ले जाने के लिए टेंडर जनवरी महीने में खुल चुका, जल्दी वह कार्य शुरू हो जाएगा। तत्पश्चात दोनों प्लेटफार्म जो नए बने हैं उन पर भी आवागमन अपने जो लोकल कनेक्टिविटी है भोपाल उज्जैन मार्ग की, वह फिलहाल में कर सकती है। और भविष्य में इसका फ़ायदा पूरे क्षेत्रवासियों को, जो छोटा रास्ता ब्यावरा राजगढ़ होकर हमारा कोटा जाने के लिए तैयार होगा, उस पर भी मिलने लगेगा। क्षेत्र की विभिन्न रेलवे हलचलों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह थी रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन की कवरेज संत हिरदाराम नगर स्टेशन से। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।